हेलो फ्रेंड्स, आई एम एचल गुप्ता। मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ सिलेबस 2022 सीएमए फाइनल एसएफएम दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का बी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 का बी नंबर क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। आपकी स्टडी मटेरियल का आपकी स्टडी में न्यू स्टडी मटेरियल जो है न्यू स्टडी मटेरियल पेज 421 स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। प्लीज अब देखिए, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ बीओआई लिमिटेड कंसिस्टिंग ऑफ द 3 शेयर्स बीजी बीजेड डीए। पोर्टफोलियो वेट्स दी हुई है, बीटा दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स दी हुई है और टोटल वेरिएंस दिया हुआ। टोटल वेरिएंस का मतलब टोटल रिस्क। ये टोटल वेरिएंस का मतलब टोटल रिस्क किसका? कंपनी का। उसको वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का x2। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन 14% है और को वेरिएंस ऑफ बीजी, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है? 14% है, 14%। और को वेरियंस ऑफ बी जी बी जेड 0.03, को वेरियंस ऑफ बी जी डी एन 0.05, को वेरियंस ऑफ डी एन बी जी 0.020। अब आपको डिटरमाइन द फॉलोइंग, पोर्टफोलियो बीटा निकालनी है। सबसे पहले आपको क्या निकालनी है? पोर्टफोलियो बीटा। रिजिडुअल वेरियंस ऑफ ईच ऑफ द 3 शेयर्स। रिजिडुअल वैल्यू मीन्स आपको अनसिस्टमेटिक रिस्क और सिस्टमेटिक रिस्क निकालनी है। पोर्टफोलियो वेरिएंस यूजिंग शार्प इंडेक्स मॉडल। शार्प इंडेक्स मॉडल के बेसिस पे आपको पोर्टफोलियो वेरिएंस मैंने आपकी पोर्टफोलियो रिस्क ऑफ सिस्टमेटिक प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क, पोर्टफोलियो वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी गिवन बाय द मार्केट, जो आपका लंबा वाला जो फॉर्मूला होता है उसके बेसिस पे बनानी है। तो सबसे पहले पोर्टफोलियो बीटा निकालेंगे हम। पोर्टफोलियो बीटा आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, पोर्टफोलियो बीटा। इसमें होता है बीटा ए वेट ए, बीटा बी वेट बी, बीटा सी वेट सी। तो यहाँ पे आपको तीनों सिक्योरिटीज है। इसका आपका बीटा 0.40 0.30 प्लस 1.20 0.30 प्लस 0.50 0.40, ये आपका वेट के साथ है। तो इसका बीटा 0.12, यहाँ पे 1.2 इंटू दिस 0.36 0.20 कितना हो जाएगा? 0.12 प्लस 0.36 प्लस 0.2 ये 0.68, ये आपका पोर्टफोलियो बीटा हुआ। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में आपसे क्या क्वेश्चन पूछी गई है? रिजिडुअल वेरिएंस ऑफ ईच ऑफ द 3 शेयर्स। रिजिडुअल वैल्यू, रिजिडुअल वेरिएंस में क्या करनी है आपको? सबसे पहले टोटल वेरिएंस दिया हुआ है आपका, सिस्टमेटिक रिस्क आपका निकाल सकते हैं। सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या होता है? सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का x2, यहाँ पे बीटा ऑफ द सिक्योरिटी का x2, बीटा ऑफ द सिक्योरिटी का x2। तो हर एक सिक्योरिटीज की बीटा दी हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट भी यहाँ पे दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो हर एक सिस्टमेटिक का आपको निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं? कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ पे आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। क्या क्वेश्चन है? रिजिडुअल वेरिएंस यूजिंग वेरिएंस अप्रोच। रिजिडुअल वेरिएंस यूजिंग वेरिएंस अप्रोच, यूजिंग वेरिएंस। अब सुनिए, थोड़ा सा मैं एजम्पशन चेंज करता हूँ।
यहाँ पे स्टैंडर्ड बेस ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो 14% है, 14% है, मैं इसको 10% लेके मैं बना रहा हूँ, 10% लेकर बना रहा हूँ, 10%। मान लीजिए 14% के प्लेस पे 10% मैंने ले लिया, तो 10% लेकर बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले आपका तीन कंपनीज है, ये कंपनी कौन कौन सा है, बीजी, दूसरा कौन सा है बीजेड, और तीसरा कौन सा है डीएन। अब आपको यहां पे टोटल वेरिएंस दी हुई है, टोटल वेरिएंस, टोटल वेरिएंस यहां पे 0.05, 0.035, 0.020, ये टोटल वेरिएंस हो गया। यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी का एक्स स्क्वायर, यहां 0.015, 0.035, 0.020, ये आप ए मान लीजिए। अब यहां पे सिस्टमेटिक रिस्क लिखिए, सिस्टमेटिक रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का एक्स स्क्वायर बीटा एक्स स्क्वायर, ये आप बी मान लीजिए, स्टैंडर्ड सर मार्केट का स्क्वायर बीटा एक्स स्क्वायर। तो हमने 14% है, मैं 10% लेकर बना रहा हूं, 10 का एक्स स्क्वायर बीटा, ए का बीटा कितनी है 0.40, यहां पे 0.40, 1.2, 0.40, 1.20, 0.50, तो 0.40 का एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.0016, 0.10 का एक्स स्क्वायर, 1.20 का एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.010 का एक्स स्क्वायर, 0.50 का एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.00252। अब अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होगा, अनसिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क किसमें होगा, अनसिस्टमेटिक रिस्क, रिस्क आपका ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी, तो 0.015 माइनस 0.0016, याद कीजिएगा 14% आपके क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट दिया है, मैंने 10% पे लेकर बना रहा हूं, 0.035 माइनस 0.0144, 0.020 माइनस 0.0025, तो यहां पे आपका हो जाएगा 0.0134, 0.0206, 0.0175। अनसिस्टमेटिक रिस्क को एरर भी कहा जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, ये मान लीजिए, सपोज कीजिए ये है, ये सपोज कीजिए बी है, ये सपोज कीजिए सी है, तो स्टैंडर्ड एरर ए, स्टैंडर्ड एरर बी, स्टैंडर्ड एरर सी, एक्स स्क्वायर में होता है, एक्स स्क्वायर में। अनसिस्टमेटिक रिस्क को मैंने स्टैंडर्ड एरर से मैंने रिप्रेजेंट किया, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको पूछा है रिजिडुअल वेरिएंस ऑफ ईच ऑफ द थ्री शेयर्स, ईच ऑफ द थ्री शेयर्स का रिजिडुअल वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, दूसरा, पोर्टफोलियो वेरिएंस यूजिंग द शार्प इंडेक्स मॉडल। पोर्टफोलियो वेरिएंस में आपका क्या होता है, पोर्टफोलियो वेरिएंस में, प्लीज इसको समझिएगा, पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क, पोर्टफोलियो
सिस्टमेटिक रिस्क प्लस पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है। पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का एक स्क्वायर, यहाँ पे बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो का एक स्क्वायर होता है। ये पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क हो गया, पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क। पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? अनसिस्टमेटिक रिस्क स्टैंडर्ड एरर ए का एक स्क्वायर वेट ए का एक स्क्वायर जो कंपनी है, प्लस स्टैंडर्ड एरर बी का एक स्क्वायर वेट बी का एक स्क्वायर, स्टैंडर्ड एरर सी का एक स्क्वायर वेट सी का एक स्क्वायर। तो यहाँ पे वेट का एक स्क्वायर हो, तो वेट ऑलरेडी दिया हुआ है 0.3 0.3 0.4। ये स्टैंडर्ड एरर अनसिस्टमेटिक रिस्क ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो दोनों को हम ऐड करके हम पोर्टफोलियो बैलेंस एज पर शार्प इंडेक्स मॉडल के बेसिस पे निकाल सकते हैं। शार्प इंडेक्स मॉडल के बेसिस पे निकाला जा सकता है, शार्प इंडेक्स मॉडल के बेसिस पे निकाला जा सकता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर ऑफ थ्री पार्ट, आंसर ऑफ पार्ट थ्री। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का एक स्क्वायर, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का एक स्क्वायर। मार्केट में मैंने 0.10 लिया हुआ है, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो 0.68 है, 0.68 यहाँ पे पोर्टफोलियो बीटा निकाली गई है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया। अब आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.004624 वर्किंग नोट सेकंड। कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क, कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क, पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर ए एक्स स्क्वायर वेट ए का एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड अनसिस्टमेटिक रिस्क बी का एक्स स्क्वायर वेट बी का एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड एरर सी का एक्स स्क्वायर वेट सी का एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपका जो आया है स्टैंडर्ड एरर 0.0134 0.3 x² 0.0206 0.3 का x² 0.0175 0175 0.40 का x स्क्वायर। ये तो यहाँ हो जाएगा 0.001206। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, 1854 0.0028 0.00586 586। पोर्टफोलियो वेरिएंस। अब आपका आंसर, आंसर अब थर्ड पार्ट क्या होगा, पोर्टफोलियो वेरिएंस एज पर शार्प इंडेक्स मॉडल, पोर्टफोलियो वेरिएंस एज पर शार्प इंडेक्स मॉडल।
पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क, मेटिक रिस्क प्लस पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क। पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क हमने कितना ने 0.004624 प्लस 0.005866 0.010484. अब आपका ये कंप्लीट हो गया। तो तीसरा पार्ट, फोर्थ पार्ट आपके क्वेश्चंस क्या बोला है फोर्थ पार्ट, अब इसको मैं मिटाता हूँ। पहले पोर्टफोलियो वेरिएंस एज पर द मार्केविट्ज मॉडल, पोर्टफोलियो वेरिएंस एज पर मार्केविट्ज मॉडल बताना है। तो इसमें अगर मान लीजिए सपोज कीजिए ए एंड बी दो सिक्योरिटीज है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बेसिस पे हमारे पास फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। उसी तरह यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क एज पर मार्केविट्ज मॉडल स्टैंडर्डाइजेशन ए वेट ए का होल स्क्वायर होता है, स्टैंडर्डाइजेशन बी वेट बी का होल स्क्वायर होता है, स्टैंडर्डाइजेशन टू स्टैंडर्डाइजेशन ए वेट ए, स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट बी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए बी होता है। इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ए वेट ए का एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट बी का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे टू स्टैंडर्ड डेवी वेट ए वेट बी और स्टैंडर्डेशन ए स्टैंडर्डेशन बी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए बी। तो ये एस्टेंड को वेरियंस का एक फॉर्मूला होता है, को वेरियंस ए बी का एक फॉर्मूला होता है, एस्टेंडेशन ए एस्टेंडेशन बी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए बी का फॉर्मूला होता है। तो ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो आपको क्या हो जाएगा, एस्टेंडेशन ए वेट ए, एस्टेंडेशन बी वेट बी, टू वेट ए वेट बी, कोवेरियंस ए बी होता है, कोवेरियंस ए बी। अब इस क्वेश्चन में कोरिलेशन तो दिया नहीं है, यहाँ पे कोवेरियंस दिया हुआ है, कोवेरियंस दोनों का दिया हुआ है। तो वो इसीलिए मार्केविट्ज मॉडल को यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो मार्केविट्ज मॉडल में आपका जो एक फॉर्मूला ड्राइव होगा वो कैसे होगा, सपोज कीजिए ए प्लस बी प्लस सी का एक्स स्क्वायर होता है, तो क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर, टू ए बी टू ए सी टू बी सी होता है। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो रिस्क क्या होगा, तीन का पोर्टफोलियो रिस्क, रिस्क अगर तीन का बोला जाए तो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ए वेट ए का होल स्क्वायर, बी वेट बी का होल स्क्वायर, सी वेट सी का होल स्क्वायर प्लस टू वेट ए वेट बी, कोवेरियंस ए बी होगा, टू वेट ए वेट सी कोवेरियंस ए सी होगा प्लस टू वेट बी वेट सी कोवेरियंस बी सी होगा। ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे बी जी बी जेड बी जेड डी एन ये वाला नाम दिया हुआ है, तो हम ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करके हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट, आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट लिखेंगे कोवेरियंस, पोर्टफोलियो वेरियंस एज पर मार्केविट्ज मॉडल, पोर्टफोलियो वेरियंस एज पर मार्केविट्ज मॉडल, पोर्टफोलियो वेरिएंस एज पर मार्केविट्ज मॉडल, पोर्टफोलियो वेरिएंस एज पर मार्केविट्ज मॉडल, स्टैंडर्ड डेविएशन बी जी वेट बी जी का एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन बी जेड वेट बी जेड एक्स स्क्वायर,
स्टैंडर्ड डेविएशन डी एन, वेट डी एन का एक्स स्क्वायर, टू वेट बी जी, वेट बी जेड, कोवेरियंस बी जी बी जेड प्लस टू वेट बी जी वेट डी जेड डी एन डी एन कोवेरियंस बी जी डी एन टू वेट बी जेड वेट डी एन कोवेरियंस बी जेड डी एन। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज को आप पुट कीजिए, ये 0.015 वो एक्स स्क्वायर करके ऑलरेडी दिया हुआ है इनटू 0.3 का एक्स स्क्वायर, 0.035 इनटू 0.3 का एक्स स्क्वायर, 0.020 इनटू 0.40 का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जीरो रख दीजिए, जीरो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस टू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3। अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कोवेरियंस, पहले का फर्स्ट का कोवेरियंस 0.030 दिया हुआ है, 030 प्लस टू इंटू 0.30 इंटू 0.40 इंटू 0.050 प्लस टू इंटू 0.30 0.040 इंटू 0.020। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.00135, 0.00315, 0.0032, 0.0054, 0.012, 0.0048, 0.0299, ये आपका आंसर हो जाएगा एज पर दिस। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप प्रैक्टिस कीजिए, सिस्टमेटिक रिस्क अनसिस्टमेटिक रिस्क की पूरी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।